यही चाहती हूँ कि जिस तरह आज आप यहाँ पहले दिन नए साल पर इकट्ठे हुए हो, आने वाले समय में भी ये आज हमारे जो मोतियों की तरह पिरोए हुए यहाँ सभी बैठे हैं, ये एक माला के रूप में मैं तो आने वाले चुनावों का ही आगाज़ करूँगी कि 2024 में ज़्यादा समय बचा नहीं है, आने वाला समय आप लोगों के बीच में। यही चाहेंगे कि हर आदमी की एक ही इच्छा है कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हर एक आदमी चाहता है, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें सभी, और हर एक की ये दिली इच्छा है कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो दुष्यंत चौटाला जी को हम मुख्यमंत्री तभी बना सकते हैं जैसे आज हमारे गांव के सरपंच बने हैं, वो गाँव का विकास कार्य करने के लिए आगे इसी तरह से एक हमारे पास मजबूत एक नींव खड़ी हो जाती है गांव में कि किसके माध्यम से हम गांव का विकास करवा सकते हैं। तो सरपंच की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है राजनीति में और गांव के विकास कार्य के लिए। तो आज इस तरह से हम पहली पीढ़ी पहले पायदान पे चढ़ना शुरू हुए हैं। आज हमारे पास बहुत सारे 100 लोगों के करीब हमारे पास सरपंच यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पार्टी में तकरीबन सभी ने अपना सहयोग दिया है और दुष्यंत चौटाला जी का हाथ थामा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में गांव का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि मैंने अपने इस हलके को 7-8 सालों से लगातार इस हलके के बीच में हूँ और हर एक लोगों की और हर एक गाँव की समस्याओं से भी वाकिफ़ हूँ। और मेरा यही ध्येय है कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से, आदरणीय अशोक शेरवाल जी के माध्यम से हम अपने हलके का विकास करवा सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हलके का विकास होगा, सड़कें हैं, गलियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव के विकास कार्य के लिए होती हैं, वो हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे हम बढ़ चढ़ करके इस विकास कार्य को करवाएँ और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को भी मजबूत करें। क्योंकि आप मुख्यमंत्री हम दुष्यंत चौटाला जी को तभी बना सकते हैं जब हम अपने हलके की एक एक सीट को जीत करके उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। और आज दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा की 10 सीटों को लेकर के उप मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद भी जितना काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी करा रहे हैं, इतना काम अभी तक और किसी ने भी नहीं कराया। और मैं आप लोगों को आश्वासन भी देती हूँ कि बढ़ चढ़ करके आप लोगों के बीच में जिस तरह से पहले डटे हुए थे, आज भी उसी तरह से डटे हुए हैं। आप लोगों की वजह से ही मेरे को हौसला मिलता है। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं, मैडम जी तो पता नहीं इतना घूमते हैं, जब देखो हलके में होते हैं, कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो दुलार है, किसी ने मेरे को अपनी बहन बनाया, किसी ने अपनी बेटी बनाया, मैं आप लोगों के दम के ऊपर ही मैं पूरे हलके में निडर होकर घूमती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई बंद मेरे पीछे, मेरी बैक जो है वो बहुत मजबूत खड़ी है। मैं आप लोगों का दोबारा से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह से हमारी ये नए साल की शुरुआत हुई है, आज एक नया एक उदय कहूँगी कि आने वाले समय में नई शुरुआत के साथ नया एक रास्ता लेकर के चलें। कई बार लोग भटक भी जाते हैं, कई बार लोग पार्टियों को देखते हैं, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि लोगों को इंसान और इंसानियत देखनी चाहिए कि कौन आपके बीच में है, कौन आपके दुख दर्द को समझता है,
कौन आपके लिए सोचता है, ये भी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आगे जो आने वाला समय है, आप लोग सही अपनी डायरेक्शन, अपना जो भी निर्णय लें वो सही लें, ताकि हम, हमारी तो इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, लेकिन कई काम ऐसे हैं जो उस कलम के मार्फत होते हैं, जिस कलम में बहुत बढ़िया शाही भरी हुई होती है। वो कलम और वो ताकत अभी हमारी इस शाही में नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने उस पेन की ताकत को इतना मजबूत बना लो, ताकि आने वाले समय में एक आप खुद ये ना सोचो कि हमने एक अपना विधायक बनाना है, आप लोग ये सोचोगे कि आप लोग खुद ही सारे के सारे विधायक हो, और आप खुद ही अपने काम करवाने के लिए किसी के आगे जाने की जरूरत, खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने उसके पास जाना है। आप इतने ज़्यादा आप सक्षम हो जाओगे कि आप अपने काम खुद करवा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इस नए साल पे आने वाले समय में हर कोई समृद्धि और तरक्की के साथ आगे बढ़े, बच्चे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें सभी, हर एक का परिवार फले फूले, मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे, आप सब अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।